हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं एक हिडन प्लेस जो कि बोकारो में है। तो चलिए दिखाएंगे ब्लॉग पे, कंटिन्यू रहिए। चलिए, अभी हम लोग आए थे यहाँ पे इडली खाने के लिए, अब यहाँ से निकलेंगे। पहले कच्चा रास्ता था, लेकिन अभी रोड को बना दिया है। अब इधर वो गांव मिलता है, अब कौन सा गांव है नाम पता नहीं है। पहले से रोड नहीं थे, यहाँ पर रोड बना दिया गया है। जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे अब क्लियर रोड है, चकाचक रोड है। ये देखिए गाइस, आ चुके हैं। ये हुआ दामोदर नदी ना, और ये है चंद्रपुरा पावर प्लांट, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। पूरा खसी है भाई। ये आ गए हम लोग दामोदर नदी, और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा खसी दिख रहा है। तो उठा के लेके चल जाएंगे तो क्या होगा। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं, अभी बरुआ घाट पहुँच गए हैं। दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ का व्यू। सो गाइस, देख सकते हैं ये है बरुआ घाट, और यहाँ का देखिए व्यू देखिए। ये एक नेचुरल वाटर पार्क है, जो वाटर पार्क नहीं जा सकते वो यहाँ आके नहाइए। और अभी आज तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग आए हुए हैं, और ज़्यादा यहाँ पे संडे के दिन भीड़ रहता है। हम आए थे, पिछले साल आए थे, एक साल के बाद आ रहे हैं। उस टाइम ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते थे, आज आए हैं तो बना रहे हैं ब्लॉग। ये देखिए गजब का व्यू आ रहा है भाई, और आज का मौसम भी देखिए बहुत फर्स्ट क्लास मौसम है, ज़्यादा धूप नहीं छाया हुआ है। हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर साइड, ऊपर से बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और व्यू तो बहुत ही मस्त आता है। रास्ता बहुत ही डेंजर रास्ता है भाई, इसलिए आइए और सावधानी से आइए। लोग आगे चल गया है, तो आ गए हैं ऊपर साइड, और यहाँ से व्यू बहुत ही मस्त आता है। और यहाँ से देखिए व्यू गजब आ रहा भाई, गजब। पूरा एकदम नेचुरल वाला फील दे रहा, देखिए एकदम मस्त जगह है भाई। आराम से आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड के साथ। तो देखो इन लोग गमछा अपना कपड़ा खोल के अब कूदने लगा है। अरे मत कूदो रे, देखिए इसको देखिए, ये कूदने के लिए पूरा रेडी है। देखिए यहाँ से कूदेगा नीचे मर जाएगा, मत कूदो। और ये इधर देखिए, ये दामोदर नदी हुआ, यहाँ से पानी आता है, और यहाँ पे देखिए झरना टाइप का बना हुआ है। और ये सामने हो गया चंद्रपुरा पावर प्लांट है, यही है बरुआ घाट। आज भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है, आज लोग बहुत कम आए हैं, क्योंकि संडे का दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ आता है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे तरफ नहाने के लिए। हमको तो नहाने का आज मूड नहीं है, बस आए ऐसे ही घूमने के लिए। कितना डेंजर रास्ता है देखिए, हम बरसात के दिन में मत आइए जाने तो फिसल जाइएगा। रास्ता देखिए पूरा डेंजर रास्ता है, और नीचे उतर रहे हैं हम लोग यहाँ से, अभी जाएंगे देखिए इधर का। हम लोग नीचे तरफ आ गए हैं, और यहाँ से देखिए पूरा पानी बह रहा है एकदम मस्त। दोनों चल गया नहाने के लिए, देखिए पूरा मस्ती कर रहा है लोग, दोनों पूरा मस्ती कर रहा है दोनों। इधर देखो ओए, देखिए डूब जाएगा बे। हम बस यहाँ बैठ के मस्त देख रहे हैं, मज़ा आ रहा, पानी बह रहा है ना झरना टाइप का, और इन लोग जाएगा नहा के मस्ती कर रहा पूरा। दिखाते हैं इन लोग कहाँ चढ़ रहा है, देखिए आप लग रहा है कि ऊपर चढ़ेगा इन लोग। अरे देखिए देखिए बह गया। एक
गाइस जो वाटर पार्क नहीं जा सकते वो आके यहाँ पे फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। लोकेशन बोकारो है, बरवा घाट। सामने आ जाओ, सामने इधर आओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हम लोग का ये जो ग्रुप का लड़का है, देखिए कहाँ चल गया। देखिए इधर है, यहाँ पे चड्डी बन के, ये देखिए कहीं चल जाता है। गाइस मूड हो गया, जा रहे हैं नहाने के लिए। गंजी उंजी खोल लिए हैं, जाएंगे अब नहाएंगे थोड़ा देर। आ गए पानी में खोलने के गाइस, पूरा मजा आ रहा है। ये देखिए ये तो गजब का, इधर से तो गजब का आ रहा है यार, नेचुरल आ रहा है। देख रहे हैं झरना को, पूरा मजा गाइस, फुल एंजॉय बरवा घाट में। अब ये दोनों जा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए पानी का झरना कितना है ना वहाँ पे। तो पिछले बार ये गया था तो भाग गया था, और हम तो एकदम वहीं पे थे यहाँ पे। थोड़ा भीड़ यहाँ का बढ़ गया है, देखिए धीरे धीरे आदमी लोग और भी आ रहा है नहाने के लिए। इतना भीड़ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। हम तो नहा लिए हैं, पूरा मस्ती किए आज, बहुत ही मज़ा आया। तो गाइस जब हम लोग घर जा रहे हैं नहा के, तो बहुत ही मज़ा आ गया। आप लोग भी आइए, और फ्री का वाटर पार्क है, इंजॉय कीजिए, जिसको बोलते हैं भरवा घाट। गाड़ी वगैरह लगाए थे यहाँ पे, ये रहा वाटर पार्क, फ्री का वाटर पार्क। तो सबको नहा के मज़ा आया ना, कहाँ गया, बहुत मज़ा आया। और इसको पूछिए पूछिए कैसा लगा रे। हाँ मज़ा आया। इधर इधर ये देखो, दूध को टोपी पहन के आया, पहली बार आया है। गाइस अब आ चुके हैं होंडा शोरूम, तो एक मेरा दोस्त को गाड़ी लेना था, तो पूछने आए गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं, होंडा SP। तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, बुकिंग कराने आया है, गाड़ी नहीं मिल रहा। गाड़ी मिल गया है लेकिन गाड़ी हम लोग को मिलेगा 2 तारीख को अवेलेबल। अभी होंडा शोरूम में तो नया नया गाड़ी भी आ गया, ये देखिए नया नया गाड़ी आ गया। अब ठंडा पीने के लिए, बहुत गर्मी है। भैया दो को स्प्राइट दीजिए ना, मस्त गर्मी में स्प्राइट पीजिए और चिल रही है। सो गाइस आ चुके हैं घर, तो चलिए अब ब्लॉग को ये एंड करते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।